केदारनाथ में नंदी की मूर्ति को कुत्ते से स्पर्श कराने का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ से भक्तों में आक्रोश पैदा कर रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक यूट्यूबर अपने पालतू कुत्ते के साथ बाबा केदार के मुख्य मंदिर के आगे पूजा अर्चना करता नजर आ रहा है। इस दौरान यूट्यूबर अपने कुत्ते से मंदिर के आगे स्थित नंदी भगवान की मूर्ति पर मत्था भी टिकवा रहा है और कुत्ते से हाथ भी जुड़वा रहा है। नंदी भगवान के पुजारी कुत्ते का तिलक कर रहे हैं। यूट्यूबर कुत्ते के पंजे से नंदी की मूर्ति का स्पर्श भी करा रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद बाबा के प्रति आस्था रखने वाले कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और मंदिर समिति पर सवाल उठा रहे हैं। वही मामले में बद्री केदार समिति अध्यक्ष ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस प्रकार का वीडियो वायरल होने से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। जिस व्यक्ति ने ये किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ में सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर समाचारों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि भगत तो आ ही रहे हैं, लेकिन घर के अपने पालतू कुत्तों को केदारनाथ में ला करके जो एक भक्त की श्रद्धा, एक भक्त के भाव होते हैं, उस तरह से अपने पालतू कुत्तों को भी उनके पांव जो है कुत्ते के हाथ नहीं माने जाते हैं, कुत्ते के जो चार पैर माने जाते हैं और कुत्ते के पैर भगवान को डायरेक्ट जो है नंदी जी को छुआना एक बहुत बड़ा अपराध है और धर्म के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस तरह से केदारनाथ में आने वाले भक्तों पे और इस तरह से कृत्य करने वालों पे बिल्कुल